विधानसभा चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां, डीसी ने की प्रेस वार्ता, चुनावों से संबंधित जानकारी। जिले में बनाए गए हैं कुल 700 मतदान केंद्र, 135 संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र। जिले में 673,078 है मतदाताओं की संख्या। सीएम की जनवरी आशीर्वाद यात्रा को लेकर भी प्रशासन सतर्क, 450 जवान और 7 डीएसपी स्तर के अधिकारी सुरक्षा के मद्देनजर रहेंगे तैनात। विभिन्न स्थानों पर लगाए गए हैं 8 नाके। यात्रा के दौरान सीएम करोड़ों रुपए की परियोजनाओं को करेंगे जनता को समर्पित। 700 बूथ के आसपास है और हमने इस बार जो हमारी जो नंबर ऑफ एडिशन हुए हैं वो लगभग 8,000 से ऊपर हमारे नए मतदाता ऐड हुए हैं। और हमारी जो एक्सपेक्टेड फाइनल रोल जो हमने पब्लिश की है 27/8 को, उसके अंतर्गत 6,73,000 के करीब हमारे मतदाता हैं। उसके अंतर्गत जितने भी मतदाता हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अपना वोट नहीं बनाया है, जितने भी नागरिक हैं जिन्होंने अपना वोट नहीं बनाया है, वो अपना फॉर्म भर के और हमारे बीएलओ के माध्यम से जल्दी हमारे पास में करें। इसमें ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार 5 तारीख को लगभग 3 बजे सनियाना एंटर करेंगे और उनकी जो रथ यात्रा है सनियाना होते हुए सभी विधानसभा होते हुए फतेहाबाद में शाम को 8 बजे एक उनकी रैली रहेगी, इसके अंतर्गत पपिया पार्क के सामने रहेगी। कार्यक्रम है उसको लेकर के लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और खासकर इलेक्शंस को लेकर? इलेक्शंस को लेके जैसा कि मई में हमने इलेक्शन कराया तो हमने करीब करीब 10 बूथों पे एक पेट्रोलिंग पार्टी और टोटल 68 पार्टियां तैनात की थी और टोटल 2549 लोगों को इलेक्शन पर्पज़ के लिए लगाया था, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए और शांतिपूर्वक इलेक्शन के लिए। इस बार विधानसभा का इलेक्शन है, थोड़ा और क्लीनली कंटेस्ट किया जाएगा तो कुछ एक्स्ट्रा हम फोर्स पीएचक्यू से हमने डिमांड भेजी है करीब 200 आदमियों की और उम्मीद करेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा नाका और पेट्रोलिंग पार्टियां हम अतिरिक्त लगाएंगे और लोकसभा की तरह एक अच्छा सुख शांतिपूर्वक और फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा पाएंगे। यात्रा हमारी सीएम साहब की जन आशीर्वाद यात्रा 5 और 6 तारीख को जिले में रहेगी और करीब 100 किलोमीटर का जो पैच है हमारा उसको कवर करेगी। पहले दिन ये 82 किलोमीटर सनियाणा से लेके फतेहाबाद पहुँचेगी और अगले दिन रेस्ट हाउस से लेके डिंग एरिया जो कि सिरसा में पड़ता है वहाँ तक 18 किलोमीटर कवर करेंगे। पूरी यात्रा को 7 DSP लगाए गए हैं और इसके अलावा करीब करीब 450 जवानों की तैनाती की गई है और उम्मीद करते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे माहौल में सुख शांति से बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर की खराबी के बगैर हैसल फ्री।